गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का रोड ट्रिप फिटनेस के एक और नए व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा डे फोर और आज हमारी होने वाली फिफ्थ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की। तो आज एक स्पेशल डे भी है, हमारे साथ में जो संध्या मैम है उनका बर्थडे है, तो इनके बर्थडे विश की एक बार कमेंट हो जाना चाहिए। कैसा लगा है आज की स्पेशल दिन पे 5 ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट हो गए हमारे और आपका बर्थडे भी है? एक्चुअली ये सबसे स्पेशल बर्थडे रहेगा। ओके, तो 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होते ही 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होते ही उनका बर्थडे भी आज के दिन, तो काफ़ी बढ़िया। चलिए, और आज की एक दिक्कत और बढ़ चुकी है हमारे लाइफ में। आपको ये तो दिखाया ही होगा कल के वीडियो में कि हमारा टॉप रैक जो था वो टूट चुका है। बॉक्स मैंने अभी एडजस्टमेंट करनी होगी कहीं पे, लेकिन और एक बात, चेतक का टायर पंचर हो गया अभी, तो सबसे पहले पंचर वाले को देखना होगा कहाँ पे पंचर निकलता है। उसके बाद तो यहीं पे होटल के पास में ही साइड में थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे एक पंचर वाला दिखा मुझे, तो यहीं पे पंचर निकाल लेते हैं। तो टायर में काच गया है यहाँ पे, तो काच के वजह से पंचर हुआ है। तो अभी पंचर निकालते जल्दी जल्दी से, फिर नाश्ता भी कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि टाइम हो चुका है नाश्ते का भी। और निकलना जल्दी था लेकिन थोड़ा लेट हो गए, ठीक है चलता है, नासिक ज़्यादा दूर नहीं है, हो जाएगा आराम से और रास्ता भी अच्छा है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर सीधा स्टॉप होगा हमारा नासिक में। हो चुका हमारा, यहाँ से निकलते हैं, अभी एक चाय ब्रेक लेना है बीच में और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है यहाँ पे, तो चलिए आगे का सफ़र करते हैं कंटिन्यू। सलाम कहीं गए लनी ना, तो नासिक है यहाँ से 147 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप होगा, उससे पहले एक चाय का ब्रेक लेना होगा हमें अच्छा वाला। तो सुहाने मौसम में सफ़र शुरू हो चुका है। ये देखिए वादियाँ, क्या बढ़िया लग रहा है यार, सही लग रहा है इसे, ऐसा ही चाहिए। अभी बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश रुक चुकी है, ऐसा ही अगर मौसम रहा ना तो काफ़ी बढ़िया व्यू दिखता है यार, मस्त लगता है। और आज का हमारा ये डे फोर है और हम त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल चुके हैं नासिक के पास। यहाँ से नासिक 137 किलोमीटर, संगमनेर है यहाँ से 82 किलोमीटर। हमारी डे फोर के गाइड का पहला टोल प्लाजा। देखिए ऐसी लाइन बना के चलिए, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रक्स उनकी उनकी वो लाइन नहीं, तो ये लाइन में चलते रहती है, हमारी ये लाइन पकड़ के चलिए। अगर ट्रक्स को ओवरटेक करना है, ये लाइन वाली ट्रक्स को अगर ओवरटेक करना है, तो पहले देख लीजिए पीछे से कोई आ गया है क्या नहीं, फिर इंडिकेटर देख के राइट साइड में जाइए, राइट साइड की लाइन में फिर ओवरटेक कीजिए, वापस से अपने अपने लाइन में आ जाइए, तो ऐसे आप गाड़ी चला सकते हो ईजीली। हंटर भाई साहब, रॉयल इनफील्ड हंटर, काफ़ी बढ़िया बाइक है, 350cc में काफ़ी बढ़िया बाइक निकाली उन्होंने ये। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हंटर से बेटर मुझे ना TVS रॉनिन जो है वो लगती है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी अच्छी है, कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी है, TVS रॉनिन 255, रॉयल इनफील्ड हंटर 350। इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है मुझे बताइए। मैंने कुछ निकाला है, मतलब माइलेज, पावर, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस, सर्विस रेट और रेंज, मतलब प्राइस कितनी क्या है, वो सब बजट निकाल के मैंने रॉनिन को मतलब रखा है कि रॉनिन अच्छी बाइक है उस सेगमेंट में। भाई साहब बहुत ही खतरनाक बारिश हो गई है, बहुत ज़ोर से बारिश हो गई है, उसमें हमारा स्पीड तो और ज़ोर ज़ोर से आ रहा है वो पानी, इतना अच्छा हम पूरा प्रोटेक्ट हो चुके हैं। पीछे ही हमें थोड़ी सी लगी थी तो वहीं पे रुक के जल्दी जल्दी से रेन कवर वो डाल लिया सब, अच्छा हुआ कि वहीं पे कर लिया सब, नहीं तो अब तक तो गीले हो जाते हैं। और ये राइडिंग जैकेट जो मैंने पहना ना राइडा का, काफ़ी बढ़िया है यार, और क्विक मतलब जल्दी सूख जाता है, क्विक ड्राई बोल सकते हो इसे, काफ़ी अच्छा है। और ये सीरीज कैसी लगी आप सभी को वो भी बताना है,
कैसी लग रही है हमारी पूरी सीरीज, आज का डे 4 है हमारा, पूरी सीरीज कैसी लग रही है बताइए कमेंट बॉक्स में। और इंस्टा पे अब तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे बता सकते हो, डीएम कर सकते हो। क्या जोरों से शुरू हो चुकी है अभी बारिश यहाँ पे, खतरनाक यार। बहुत जोर से, जबरदस्त भाई, खतरनाक, चल चल, जबरदस्त बारिश है। देखिए सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी जोर से हो रही बारिश। ये देखिए बारिश के मजे लेते हुए हमारे शिवा सर और संध्या मैम, काफी बढ़िया। नासिक सिटी में आपका स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू नासिक सिटी। तो ये आ चुका है मुंबई आगरा नेशनल हाईवे नंबर 3, हमें जाना है यहाँ से सीधा त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो निकलिए चलिए, मामू जी तो खड़े हैं लेकिन ओके जी, चलिए त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट साइड में, ये है एबीबी चौक नासिक का, यहाँ से ये त्र्यंबकेश्वर रोड स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे रुकते हैं 2 मिनट, जिनका इंतजार है उन्हें कॉल कर देते हैं पहले। तो नासिक के एबीबी सर्कल में रुका था मैं, ये जैसा कि मैंने कहा कि मुझे किसी से मिलना है तो वो आ चुके हैं। ये मेरे मामा जी, हाय सिद्धू मामा, मेरे जलगांव में रहते हैं लेकिन अभी नासिक में जॉब के लिए है, मतलब सेट हो चुके हैं नासिक में। पेट पानी के लिए करना पड़ता है तो इनसे मिलना हो गया। लेकिन घर पे कैसा है, मुझे दर्शन भी लेना है फिर वापस संभलने भी निकलना है तो टाइम हो जाएगा, तो बाद में कभी आ जाएंगे। नासिक आना जाना रहता ही है हमारा कभी कभी, तो चलिए बातचीत करते हैं फिर मुलाकात होगी आगे। तो ये है होटल संस्कृति, यहीं पे रुके हैं सब लोग, ये देखिए बाइक्स भी है यहाँ पे। तो चलिए अंदर जाते हैं। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नगरी में आप सभी का स्वागत है, मेरा तो स्वागत ही है, आप सभी का मेरे साथ में स्वागत है और आपका भी काफ़ी। अभी अंदर देखते जाने के बाद आपको मैं मंदिर के पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, उससे पहले हमें लगेज रखने के लिए और गाड़ी पार्किंग के लिए जगह देखनी होगी अच्छी सी। ओके, तो यहाँ पे पार्किंग की ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है, आपको गाड़ी टू व्हीलर पे आए तो यहीं पे रुकना होगा। अभी वैसा ही सीन हुआ है, 3 लोग दर्शन करने के लिए गए आज से और मैं यहाँ पे रुके गाड़ियों के ध्यान रखने के लिए, वो उनके आने के बाद हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, आप अगर यहाँ पे स्टे करते हो तो आप कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है और पीछे देख सकते हो आप बढ़िया सा व्यू। तो मंदिर के राइट साइड में यहाँ पे एक लॉकर है दिया हुआ, 10 रुपये में आप आपका लगेज हो या हेलमेट हो कुछ भी हो यहाँ पे रख सकते हो। हमारे बाकी जो शिवा सर थे उनका मुझे कॉल आया कि 2 घंटे लगने वाले दर्शन के लिए, तो आप एक काम करो हेलमेट वेलमेट रख दो और आप भी लाइन में लग जाओ। तो हमने लगेज यहाँ पे रख दिया अभी और हम भी अभी लाइन में जाने वाले हैं, तो चलिए दर्शन करने जाते हैं। और बारिश काफ़ी जोर से हो गई है तो अभी यहाँ पे लाइन में आ चुके हैं हम, बाहर काफ़ी जोर से बारिश हो गई, गीले हो चुके हैं यार, देख सकते हो पूरा गीला हो चुका हूँ और दर्शन के लाइन में लग चुका हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल से आप निकाल सकते हो, कैमरा अलाउड नहीं ऐसा कहा है उन्होंने। तो ये देखिए यहाँ से दर्शन ले लीजिए एक बार, यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अभी जाते हैं, लाइन में लगते हैं और दर्शन लेते हैं, कैमरा रख देंगे, मोबाइल से हो पाया ना जितना हो पाएगा मोबाइल से मैं शूट करता हूँ आपके लिए। तो इस तरह से यहाँ पे लाइन लगी है सबकी, काफ़ी लंबी लाइन है, 2 घंटे लगने वाले हमें दर्शन मिलने के लिए, 2 घंटे लगने वाले, मतलब इतनी बड़ी लाइन है। इस तरह से आज हमारे गाइड के 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं और ये बारिश हो रही है यार, महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग, काफ़ी बढ़िया प्राउड फील हो गए। तो चलिए एक जगह पे जाते हैं अच्छी सी, और तो ये व्यू देखिए यार क्या बढ़िया, काफ़ी बढ़िया व्यू।
तो काफ़ी बढ़िया, मतलब 1200 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट हो चुका है मैं राइड के, और काफ़ी बढ़िया दर्शन हुआ यहाँ पे। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से मैं आपको ये दिखाता हूँ, शूट लेता हूँ मैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया, एक दो रील्स भी बनानी है मुझे इंस्टाग्राम के लिए, तो चलिए पहले वो शूट कर लेते हैं। काफ़ी बागी दो मिनट दो मिनट तो ऐसे ही अंदर शिवलिंग है, ऐसी ही है, इसकी डुप्लीकेट यहाँ पे भाग बनाई है, काफ़ी बढ़िया। तो चलिए अभी फोटोशूट चल रहा है यार, काफ़ी फ़ोटो निकालने हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया गाइड हो चुके हैं हमारे, 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं, गंगेश्वर का भी काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ है। तो अभी मैं सीधा आपसे मिलता हूँ जब हम नासिक जा गए, यहाँ से फिर से नासिक जाना है, तो नासिक जाना है वहाँ पे, इनके दोस्त है उनके यहाँ पे खाना खाना है, तब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा। अभी बारिश भी बहुत हो गई तो कैमरा में बैग में रख दे रहा हूँ, तो चलिए मिलते हैं सीधा वहीं पे। तो यहाँ पे अभी हमने एक सरप्राइज गिफ्ट लाया है संध्या मैम के लिए, उनका बर्थडे है और ऐसी जगह पे बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है इनका, तो काफ़ी कैसा लगा है आपको आज, आपका बर्थडे मंदिर के सामने सेलिब्रेट हो रहा है, कैसा लगा आपको? सब बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स अ मेमोरेबल बर्थडे। ओके पाजुने तो नहीं नहीं कैमरा नहीं लगना, टन न न न। ये मेरी धर्मपत्नी जो 25 साल से हमारी शादी हुई है, इसके लिए 25 और हम मिले हैं 27 साल से, तो 27 साल में ये सबसे अच्छा बर्थडे उसका हुआ है, और बहुत प्राउड फीलिंग है यार, लव दिस मोमेंट, खरच प्राउड फील होते हैं कि 5 ज्योतिर्लिंग केल्यावर असा बर्थडे सेलिब्रेट माझ्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात खूप कमी लोकांनी केला असेल, माहित नाही, पण आम्ही त्यातले एक आहोत। अँटिक पीस जुनेत ना तुम्ही, आता 26 वर्ष झाले अँटिक झाले। हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर संजा मॅम, हॅपी बर्थडे। क्योंकि हमारा सामान यही पे था, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी सामान में ध्यान रखने के लिए, धन्यवाद भाई। तो चलिए बर्थडे भी काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट हो गया यहाँ पे संध्या मैम का, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और बाबा को कहते हैं हर महादेव। तो चलिए त्र्यंबकेश्वर को कहते हैं बाय बाय, और आज का हमारा डे 4 का जो डेस्टिनेशन था वो कम्प्लीट हो चुका है त्र्यंबकेश्वर, और हमारी राइड के 5 ज्योतिर्लिंग के डेस्टिनेशन थे 5 ज्योतिर्लिंग, वो भी कम्प्लीट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से राइड हुई हमारी। आपको सीरीज कैसी लगी है 5 ज्योतिर्लिंग वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पे अब तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, एंड जितना हो सके उतना फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए यार वीडियो, सपोर्ट दीजिए, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो चलिए वीडियो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ऐसे ही हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आने वाले ऐसे नए नए वीडियो में, तो तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। तो इस जगह पे है बर्थडे सेलिब्रेशन इनका आज, तो आखिरकार आ चुके हैं हम अमलनगर में, यहाँ पे मेरी गाइड की तो समाप्ति होती है, लेकिन इनकी गाइड अभी बाकी है, इन्हें जाना है जलगांव, यहाँ से 56 किलोमीटर और 5 ज्योति, हाँ हाँ इसको परसों जाना है, उससे आगे कितना है आगे, इसका टोटल 86 और इनका 56, तो 5 ज्योतिर्लिंग की गाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ में, फिर से एक बार बड़ी गाइड होगी, हैप्पी बर्थडे मैम फिर से एक बार, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है, डे बदल गया बी मतलब बिलेटेड। तो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ गाइड करके, तो आगे और भी बढ़िया गाइड होने वाली है हमारी।